सात मई को क्यों कैंसिल हो गया था नीतीश भाई, थोड़ा बता सात दीजिए। मई को नीट का एग्जाम था, नीट का एग्जाम, तो इसी में कितना लोग बोल रहे थे कि नीट का एग्जाम से क्या लेना देना है इसका, तो नीट के एग्जाम से लेना, इतना सेंटर कहाँ से आएगा नीट कि नीट मान का निषेध का भी एग्जाम हो जाए, फिर से भी नीट का भी एग्जाम, इतना संभव नहीं हो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं अमृत राज नीतीश भाई के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि बिहार मद निषेध 689 पोस्ट का जो एग्जाम डेट अभी 14 मई को आया है, क्या सच में एग्जाम 14 मई को होगा या नहीं होगा, इसी के बारे में आज आप लोग से बातचीत करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले जो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मन निषेध से जुड़ी कोई भी जानकारी या कोई भी अपडेट आए तो आप लोगों को सही जानकारी मिल पाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर और आप लोग को बताते हैं कि क्या सच में 14 मई को एग्जाम होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो 689 पोस्ट का जो एग्जाम था वो 7 मई को होने वाला था, आप लोग को मालूम चल ही गया होगा तो है। थोड़ा कैंसिल कैंसिल हाँ, कि अब क्या 7 मई को होगा या नहीं होगा, हम लोग पहले ही वीडियो में दोनों भाई आकर बता दिए पहले ही भी आप थे। लोगों को जैसा कि इशारों इशारों बता दिया गया था। हाँ नीतीश भाई तो मैंने थोड़ा सा बता दिए थे कितने, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, क्या नीतीश भाई? हाँ आगे डेट बढ़ेगा तो इसी में कितना लोग कमेंट किए कि आपको कुछ मालूम नहीं रहता है, आप झूठ बोलते हैं। अरे भाई, तो हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे, जो बात सच्चाई रहता है वो हम लोग बोल देते हैं, यही हम लोग में दिक्कत है कि जो बात सच रहेगा उसको बोल देते हैं। तो कितना लोग कमेंट करते हैं कि आप व्यू बढ़ाने के लिए झूठ झूठ के बोलते रहते हैं कि इसका डेट आगे बढ़ गया, झूठ झूठ साँच, तो बताइए हम लोग झूठ क्या। वैसा कोई बात हाँ नहीं है दोस्तों, ये दुनिया में एक से एक आदमी है, कोई ना कुछ आदमी कमेंट करता रहता है, उस पर ज़्यादा हाँ ध्यान हम लोग नहीं हम देते लोग नहीं हैं। देते हम झूठ। लोग बस ओरिजिनल सकारात्मक कमेंट पर ही ध्यान देते हैं। अभी जैसे आजकल के जो यूट्यूब का सोर्स हो गया है, उसमें इतना सोर्स हो गया है कि आदमी को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या देखें और क्या ना देखें। इसीलिए बार बार जैसे जैसे हम लोग के पास, हम लोग भी मजबूर हैं, अपडेट आता है तो हम लोग सोचते हैं कि आप लोग को अपडेट कर दे, अपडेट बता कर दे, दे। बस यही दिक्कत है। हम लोग का मिलता है, हम इंस्टेंट जानकारी सोचते हैं, हम के दे दे, बस उसी में आप लोग जो जो कमेंट कर देते हैं। तो वैसे आदमी से निवेदन है कि थोड़ा कमेंट में सोच समझ कर सकारात्मक कमेंट देंगे तो और अच्छा रहेगा, नकारात्मक कमेंट भी देंगे तो डेमोक्रेसी है, इसमें हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो हम लोग भी बोल देते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि 100 में 100% 100% तो कुछ होता नहीं है सर। हाँ कोई भी हाँ बात आदर्श नहीं होते, 100 में 100% कभी सही नहीं होता कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास चल ही जाता है, ऐसा बात नहीं, हम भी मान रहे हैं, तो ऐसा बात थोड़ी है, आप लोग से भी गलती होता होगा, आप लोग भी अच्छा से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल है। पाता है, हम लोग ये बोल देते हैं, तो ऐसा हाँ बात नहीं है। हम लोग आप ही लोग के चलते थोड़ा जल्दी सोचते हैं कि बता दें कि ताकि हमारे व्यूअर के पास जल्दी से जल्दी चला जाए। हम लोग के पास तो कल ही इन्फॉर्मेशन या कल से पहले ही वीडियो में बोल दिए थे कि 1 या 2 सप्ताह इसका एग्जाम बढ़ेगा, पर कल टाइम नहीं मिल पाया वीडियो और बनाने के आप लिए लोग को तो। ये बता दें कि हमारे नीतीश भाई को पहले से ये डेट तक पता था कि किस हाँ डेट को परीक्षा होने वाला है, लेकिन जब नीतीश कंफर्म भाई हो जाते हैं तब बोलते हैं हम लोग और बहुत सारे चैनल पर बताया उतना नहीं गया था, लेकिन पूरा। नीतीश हाँ भाई को हमसे बताए थे, इनको डेट तक पता था कितना तारीख को एग्जाम होने वाला है, जैसे कैंसिल होगा तो ऐसे ही पता चल जाता है। अब रहा है बात कि एग्जाम 14 मई को होगा या नहीं होगा, तो अब मैंने कंफर्म हो जाइए कि 14 मई को एग्जाम होगा, अब कोई इसमें नहीं है कि अब एग्जाम 14 मई को नहीं होगा, अब आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग बिल्कुल सस्पेंशन में ना रहिए, 14 मई को सोचिए कि 99.99% ही हम बोलते रहे हैं ना, तो फिर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि अरे आप बोले थे 14 मई को, फिर 14 मई को नहीं हुआ, इसलिए 99% चांस है कि होगा। और एकाग्रचित होकर आप लोग एकदम तैयारी करें, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल या जो रिटर्न की रिजन कर तैयारी रहे हैं, करें, रिटर्न की तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करिए। और सोचिए कि 14 मई को होगा ही। सात मई को क्यों कैंसिल हो गया था नीतीश भाई, थोड़ा बता दीजिए। 7 मई को नीट का एग्जाम था,
नीट का एग्जाम तो इसी में कितना लोग बोल रहे थे कि नीट का एग्जाम से क्या लेना देना है इसका, तो नीट के एग्जाम से लेना इतना सेंटर कहाँ से आएगा कि नीट का भी एग्जाम हो जाए, फिर से भी नीट का भी एग्जाम इतना संभव नहीं हो पाया। सरकार को बहुत सारी दिक्कत है। एक दिन मद निषेध में जानते हैं आप लोग कि बहुत सारा फॉर्म अप्लाई हुआ है, उतना सेंटर को मैनेज करना है सरकार को, तो उतना उसके लिए प्रशासन भी चाहिए, पुलिस प्रशासन चाहिए, उतना टीचर अवेलेबल कराना पड़ता है, सरकार को उसमें बहुत सारी दिक्कत करना पड़ सकता है। सरकार ये भी पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कहीं चोरी ना हो जाए, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए सरकार परीक्षा को कैंसिल कर दे, वो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। एक सप्ताह आगे बढ़ा या दो सप्ताह, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उससे तो और आप लोग एक दो सप्ताह में आप लोग खुशी मनाइए कि एक दो सप्ताह और ज़्यादा हम तैयारी करेंगे। यही बताना चाहते थे, अब आप लोग जैसे ही हम लोग के पास कोई अपडेट आता है, अब हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तब तक आप लोग, आप पर एक बात, जो भी हमारे पास प्रूफ के तौर पर है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, डाल भी दिए हैं और डाल देंगे, जो जो जैसे जैसे प्रूफ होगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। हाँ, मैं टेलीग्राम चैनल पर सीधा डायरेक्ट पूछिए या आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद साथियों।